और बेंगलुरु से श्रद्धा वालकर मर्डर केस जैसा ही एक मामला सामने आया है और यहां एक घर में 29 साल की महिला की 30 टुकड़ों में लाश मिली है। अब शव को काटकर फ्रिज के अंदर रखा गया था। पुलिस को आशंका है कि 4-5 दिन पहले इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसकी बदबू आने के बाद लोगों ने शिकायत की तो पूरा मामला सामने आ गया। महिला का नाम महालक्ष्मी है, जो नेपाल की रहने वाली है। काफी समय से बेंगलुरु में वो रहती थी और बताया जा रहा है कि महिला अपने पति से अलग रह रही थी। पुलिस अब पूरे मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। पुलिस की 8 स्पेशल टीमें मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वारदात को अंजाम देने वालों की तलाश की जा रही है। किस बात को लेकर यह मर्डर किया गया अभी क्लियर नहीं हो पाया है और पुलिस महिला के साथ काम करने वाले लोगों से भी पूछताछ कर रही है। और बेंगलुरु में दिल्ली की श्रद्धा वालकर हत्याकांड जैसा केस सामने आया। किराए के घर में रहने वाली 29 साल की महिला महालक्ष्मी की लाश मिली है। उसके शव के 30 टुकड़े किए गए, उसे फ्रिज में रखा गया। बेंगलुरु के महावलेश्वरम इलाके की घटना है। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि यह शव 4-5 दिन पुराना है और डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम अब पूरे सैंपल कलेक्ट करने के बाद इस पूरे मामले में हेल्प कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में 8 स्पेशल टीम भी बनाई गई है।